आप लता दीदी से अपनी पहली मुलाकात का वाक्य हमें बताइए। लता जी से मेरी पहली मुलाकात बहुत पुरानी है और एक पारिवारिक मित्रता उनसे हुई, उस वजह से मेरा उनसे मिलना हुआ। और जब मैं पहली बार उनके सामने था तो बहुत घबराहट में मेरे मुंह से निकला कि आप बेहद सुरीली हैं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा तानसेन हूं और मैं कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूं उनको। और उन्होंने कहा, जी मुझे मालूम है। अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं था कि मतलब शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत मेरी पिटाई होने वाली है, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं आप बैठिए, आराम से बैठिए और कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी ऐसी मुख्तसर सी मुलाकात थी, फिर धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ी और मैं यहाँ से इस मंच से अपनी किताब का प्रचार भी कर दूं। बाकी किस्से सुनने के लिए आप 600 रुपए खर्च करें और पुस्तक खरीदें और उसको पढ़ें, उसमें डिटेल में लता जी की संगीत यात्रा है। आपकी आमद से पहले मैंने बाकायदा इन लोगों को बता दिया किताब के बारे में। जी बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ पे कविता सुनाने के लिए पकड़ा जाएगा, और जो कविता ये कह रहे थे वो मैं लेके नहीं आया। हम नए हिंदी वाले लिखने वालों की एक कमी है कि अपनी कविता याद नहीं रहती, और हम लोग मुगालता ये पालते हैं कि सुनने वाले याद रखें। तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि मैं कैसे सुनाऊं अपनी कविता, और मेरा एक संग्रह यहाँ वाणी प्रकाशन पे रखा हुआ था जो मेरा नया संग्रह था, कबीर की बानियों को मैंने रिफ्रेम किया था कि आज 500 साल बाद कबीर होते तो क्या वही प्रश्न और वही दुश्चिंताएं होती जैसे पहले थी। उसकी एक कविता सुना दे रहा हूं आपको, अनहद के पार जाता हुआ घर। एक बेदरो दीवार का घर था, अनहद के पार जाता हुआ घर। ऊपर खुले आसमान की नीली कनात वाली छत के नीचे पसरा अनथक विश्रांति का घर। शून्यगढ़ शहर में चहलकदमी के लिए पगडंडी के रास्ते पहुंचता हुआ घर, अदृश्य का घर, व्यक्त का घर, अनंत के अहाते का घर। एक घर रमैया की दुल्हन का हाट बाजार से चैन लूटकर बनाया हुआ घर। सूरज चंद्रमा नक्षत्रों और तारों के झुरमुट का घर, सुकून के ओसारे का घर। अवधूत की चादर पर फैला अपनत्व का घर, लुका छिपी के खेल का घर, जीतने की जद्दोजहद और हारने के उत्साह का घर। दुनियावी तमाशा और सब कुछ को फूंक डालने का घर, अंतहीन प्यास और अक्लांत समर्पण का घर। एक घर ऐसा जो बिना दीवार, बिना खिड़की, बिना दरवाजे, बिना छत, बिना अहाते, बिना आंगन, बिना पर्ची, बिना बिछावन, बिना साजो सामान, बिना खाट का घर, प्रेम का घर या शायद खाला का घर। यतीन्द्र जी बड़ी मुश्किल से हमारे घेरे में आए हैं, सुरुचिपूर्ण व्यक्ति हैं, ललन ठॉप बहुत ही उबड़ खाबड़ किस्म नहीं, का ऐसा कुछ नहीं। मंच है। आपकी एक कविता है ड्योढ़ी पर आलाप से, जो मैंने खोज ली है, पर मुझे आपकी आवाज में सुननी है। हाँ, ये मेरी पसंद की कविता है और अच्छा है कि सौरभ जी ने निकाला ढूंढकर। क्या फर्क पड़ता है इससे, अयोध्या में पद की जगह कोई शब्द गाए। क्या फर्क पड़ता है इससे, अयोध्या में पद की जगह कोई शब्द गाए। दूर ननकाना साहब में कोई मतवाला जपू जी छोड़ कव्वाली लेकर जाए। फर्क तो इस बात से भी नहीं पड़ता हम बाला और मर्दाना से पूछ सकें, नानक के बोलों पर गुल तराशी करने वाले एक तारा था में उन दोनों के हाथ। अक्सर सुर छेड़ते वक्त खुसरो और कबीर के घर क्यों घूम आते हैं। फर्क तो आज ये भी कहीं नहीं दिखता, बात बात में रदीफ काफिया मिलाने वाले, हर चीज का फर्क पहचानने वाले शायद ही झगड़ते हो कभी इसलिए। राम की पहुंच डागरों की हवेली और खां साहब की बंदिश तक क्यों है, और क्यों बैजू से लेकर आज तक बावरी होने वाली कला की नई से नई पीढ़ी भी आगे बढ़कर सबसे पहले रहीम और रसखान से दोस्ती करती है। मेरे भीतर का लालच बढ़ता जा रहा है यतीन्द्र जी। यतीन्द्र जी ने उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर कमाल की किताब लिखी है, और मैं बार बार कहता हूँ किताबें आपको बेहतर इंसान बनाती हैं। सुरों की बारादरी के नाम से किताब है, खरीद कर पढ़िएगा। और एक चालाक बाजार में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव की तरह मैं आपको थोड़ा सा सैंपल चखा देता हूँ। मैं यतीन्द्र जी से ये गुजारिश करूँगा कि वो उस्ताद से जुड़ा कोई किस्सा हमसे साझा करें,
जो उस किताब में भी हो, अद्भुत है वो आदमी, जो नहीं है वो भी सुना दीजिए, अद्भुत है वो आदमी। मतलब उनको देखते हैं तो लगता है कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा बनारस ऐसा ही होगा कि वो काशी विश्वनाथ बाबा के लिए भी बजा रहे हैं, देश राग के लिए भी बजा रहे हैं, बनारस के घाटों पर बैठ के बजा रहे हैं। देश को पहला जो स्वतंत्र राग मिला है वो खान साहब का है, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा था तो नेहरू जी ने कहा कि देश आजाद हो रहा है और देश की आजादी मंगल धुन की तरह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कामों में शहनाई बजती है। तो एक कार्यकर्ता को, कांग्रेसी कार्यकर्ता को बनारस भेजा गया और वो जल्दी से खान साहब को लेके चला। और एक बड़ी ऐतिहासिक फोटो तीन मूर्ति भवन में भी लगी हुई है, जिसमें एक स्त्री सर पे घघरा लिए हुए, दीप जल रहा है, आगे बढ़ रही है, पीछे बिस्मिल्ला खान साहब शहनाई बजाते हुए हैं और उनके पीछे नेहरू जी और पूरी गारद है अपनी पहली कैबिनेट की। और पहला राग 1947 में देश आजादी के साथ देश को राग काफी मिलता है तो खान साहब बजाते हैं। तो ये तो एक इतिहास है। एक मजेदार वाकया है खान साहब का, वो बॉम्बे गए, AIR बॉम्बे ने उनको रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, तो जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि खान साहब वो आज जब आप रिकॉर्डिंग में आइएगा तो बहार जरूर बजा दीजिएगा, राग बहार एक बहुत महीन मीठा राग है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो खान साहब ने कहा ठीक है बजा देंगे। और जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उन्होंने बहार छोड़ के दूसरे राग बजाए, तो स्टेशन डायरेक्टर को लगा चलो ठीक है, एक घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, खान साहब दूसरा कोई राग बजा देंगे। बहार नहीं, फिर दूसरा राग उठाया तो उन्होंने दूसरा राग बजा दिया। अब जब समाप्ति की ओर पहुंचा, 10 मिनट का प्रोग्राम है और वो तड़प रहे हैं कि बहार नहीं छेड़ा खान साहब ने। अच्छा, एक नियम होता था कि एक कलाकार अगर वर्ष में एक रिकॉर्ड कर गया तो साल भर से पहले उसको नेशनल प्रोग्राम नहीं मिलता था, तो अब अगर बहार सुनना है और रेडियो पे सुनना है तो एक वर्ष इंतजार करना पड़ेगा खान साहब का, तभी आएंगे। तो उन्होंने फिर जाके कहा खान साहब बहार बजा दीजिए 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट का ही हमारे पास फुटेज है। भाई ठीक है बरखुरदार, चिंता ना करो, अभी बजाते हैं, पान वान खाए, फिर उसके बाद उन्होंने बिहाग बजा के खत्म कर दिया। तो अब किसी की हिम्मत तो थी नहीं कि बिस्मिल्ला खान साहब से जिरह करे, फिर बात खत्म हो गई, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग और बहुत शानदार। फिर जब वो चलने लगे और वो सब उनका TADA और उनके चेक वेक दिए जाने लगे, तो स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि सर आपसे एक बात पूछनी है, आपसे मैं सुबह से लगा हुआ था और जब सुबह से आप रात तक मैंने इतनी मशक्कत की, आप चाहते तो बजा सकते थे, आपको मूड क्यों नहीं लगा बजाने का, कुछ जान सकता हूं? नहीं तो फिर मैं, अब आप जहां जा रहे होंगे रिकॉर्डिंग के लिए, मैं वहां पहुंचूंगा और एक निवेदन करूंगा कि बाहर सुना दें। बोले बरखुरदार, जब सुबह से उतरा, हम बनारसी लोग हैं, हमको बहुत जलेबी खाने की तड़प थी, आपने जिस होटल में रुकाया, बुलवाए आपने, मैंने कहा कि जलेबी खिला दो हमको, और आपने लड्डू मंगा दिया, तो हमने कहा कि हमें जलेबी खानी है, तो आपने कहा कि खान साहब लड्डू से काम चला लीजिए, जलेबी फिर हो जाएगी, तो इसीलिए कह रहा हूं बिहार से काम चला लीजिए, बाहर फिर हो जाएगी। जी, तींद्र जी की एक और कविता है वृद्ध होना, उसी कविता संग्रह से ड्योढ़ी पर आलाप। ये सब बुड्ढों वाले कविताएं क्यों तुम चुन के निकाल रहे हो यार? ये कविता यतीन जी मैंने जानबूझ कर चुनी है। मेरे वक्त की मतलब सबसे बड़ी चिंता ये है कि अभी ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो पूरी तल्लीनता से आपको, राजशेखर को सुन रहे हैं, अपने फोन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है 99% मामलों में। हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बगीचे में जाते हैं, फूल को नहीं निहारते हैं, फोटो खींचने लगते हैं, सेल्फी एज में जी रहे हैं, एक किस्म की अकुलाहट है, यकीन नहीं रह गया है, बूढ़े होने से डर रहे हैं, हर चीज को कैप्चर कर लेना चाहते हैं। और ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि ग्रो करना, वृद्ध होना, बढ़ना इतना बुरा भी नहीं है, हर चीज को जकड़ के रखना इतना जरूरी भी नहीं है, और इसलिए मुझे यतीन्द्र मिश्र की ये कविता सुननी है। बहुत धन्यवाद। वृद्ध होना, और ये सारे जो भी बड़े हों मुझसे यहाँ, उन सबको समर्पित है। राजशेखर भाई सुनिएगा। छिजता जाता है फूलों से पराग, छिजता जाता है फूलों से पराग, भीतर का आलोक ढक लेता सात आसमान, कम होती जाती दुनिया में भरोसे की जगह, उदारता एकाएक आंधी के वेग से चली आती घर के अंदर रहने, उदारता एकाएक आंधी के वेग से चली आती घर के अंदर रहने, खेल खेल में टूटते चले गए बचपन के खिलौनों से, ज्यादा बड़ी नहीं रहती भूल गलतियां, कुमलाया हुआ दिन
हर रोज दरवाजे पर आकर बताता है अब तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। कुमलाया हुआ दिन हर रोज दरवाजे पर आकर बताता है अब तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। दुख यातना और दर्द की कॉपी के पन्ने कई बार तह खुलने से ढीले और मौसम के रंग सुग्गों की हरियाली से भी ज्यादा चटक होते जाते हैं। वृद्ध होना दरअसल ईख का पकना है। ईख गन्ने को कहते हैं। वृद्ध होना दरअसल ईख का पकना है। बूंद बूंद बटोरा गया अनुभव जड़ से कलगी तक भिन जाता जीवन रस में।